नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस वर्मा और आप सभी लोग का हमारे आयुष्मति क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेडिसिन दोस्तों आप लोगों को अगर आँखें बंद करने पे चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगता है। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे कि अगर वह आँखें क्लोज करते ही उन्हें चक्कर आने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी आँखें बंद नहीं कर पाते हैं। उनको जो चक्कर आने लगता है उसका कई कारण हो सकता है दोस्तों, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं। अगर इस तरह की समस्या आपके जानने पहचानने वाले में से किसी को रहती है तो दोस्तों उन तक ये वीडियो हमारा शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहेगा दोस्तों हमारे चैनल पे, वीडियोस को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो नीचे दोस्तों एक कमेंट बॉक्स दिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताने जा रहा हूँ जो कि उनके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। जो लोग दोस्तों हम देखते हैं क्लिनिक पे आते हैं, बोलते हैं सर तबीयत तो बहुत ज़्यादा दिनों से ख़राब है लेकिन आँखें बंद करते ही मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है, आँखें बंद करने पे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। तो दोस्तों मैं होम्योपैथी का तीन ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि इस तरह की समस्या को बहुत जल्द सही कर देता है। दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन तीनों मेडिसिन का नाम बता देता हूँ, इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बता देता हूँ और ये मेडिसिन कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से तीन दवाइयाँ लेनी होती हैं। तीनों दवाइयाँ दोस्तों करके एक बड़ी फाइल वहीं से ले लीजिएगा, उन्हीं में तीनों दवाइयों को मिला करके रख लेना होता है। चलिए हम दवाइयों का नाम बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहली मेडिसिन लैकेसिस। लैकेसिस इस तरह के कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जिनको आँखें बंद करने पर बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। और दोस्तों लैकेसिस मेडिसिन को 30 पावर में लेना होता है। आइए हम दूसरी मेडिसिन का नाम बता दें। दूसरी मेडिसिन का नाम है दोस्तों थेरिडियन। इस मेडिसिन को भी 30 पावर में लेना होता है, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों और इस तरह की समस्या को बहुत जल्द सही करती है। तीसरी मेडिसिन का ही हम नाम बता देते हैं। तीसरी मेडिसिन जो आपको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है दोस्तों, थूजा ऑक्सीडेंटेलिस। 30 पावर ले करके दोस्तों इस मेडिसिन को भी आपको क्या करना है, एक बड़ी फाइल में इन तीनों मेडिसिन को दोस्तों रख लेना है। तो पहली मेडिसिन लैकेसिस, दूसरी मेडिसिन थेरिडियन और तीसरी मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटेलिस। इन तीनों मेडिसिन को दोस्तों 30 पावर में लेना है। इन तीनों मेडिसिन को 30 पावर में ले करके एक बड़े फाइल में रख लीजिएगा दोस्तों और इन तीनों मेडिसिन को मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से बेल सेक कर लीजिएगा ताकि तीनों दवाइयाँ आपस में अच्छे से मिल जाएं। इन तीनों दवाइयों को दोस्तों बड़े फाइल में रखने के बाद आपको क्या करना है, 5 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल करके मेडिसिन को लेना है। और दोस्तों आइए हम एक चीज़ और बता देते हैं कि आप जब कप लीजिए तो सबसे पहले उसमें 5 बूंद आपको मेडिसिन डाल देना, उसके बाद में आप उसमें पानी डालें ताकि दवाइयाँ अच्छे से पूरी पानी में मिल जाए और मेडिसिन को जो आपको लेना है सिप बाई सिप आप पीजिए, आराम से पीजिए। और इस तरह से करने से दोस्तों मेडिसिन और अच्छे से काम करता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों उन लोगों के लिए ये वीडियो था जिनको आंखें बंद करने पे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज करने से दोस्तों ये समस्या मुश्किल से आपकी 7 से 15 दिन में बहुत जल्द रिकवर हो जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपकी ये समस्या बहुत जल्द सही हो जाएगी दोस्तों। अगर आप 15 दिन तक यूज़ करते हैं आराम नहीं मिल रहा है तो आप 15 दिन तक और वेट कीजिए, लगभग 1 महीने तक मेडिसिन यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलने वाला है। अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो अपने पास के होम्योपैथिक चिकित्सक को जा करके वहाँ पर केस टेकिंग कराएँ। केस टेकिंग के बाद दोस्तों वहाँ से यूनिक मेडिसिन मिलेगी और इस तरह के कंडीशन में दोस्तों आपको चिकित्सक से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी फिर हो जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इन मेडिसिन के बारे में था, इन मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, अगर आपको आंखें बंद करने पे चक्कर बहुत ज़्यादा आता है तो मेडिसिन का डोज कैसा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाए, पॉलीथीन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।